रूसी सैनिकों पर न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा खुलासा, यूक्रेन में खतरनाक लैंडमाइंस का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। यूक्रेन में POM-3 लैंडमाइन से विस्फोट कर रही है रूसी सेना। रूस यूक्रेन के नागरिकों को लैंडमाइन से बना रहा है निशाना। POM-3 माइंस में लगे होते हैं सेंसर्स। POM-3 माइंस के सेंसर्स की जद में आने भर से हो जाता है विस्फोट। इसमें जरूरी नहीं है कि माइंस के ऊपर प्रेशर पड़े और तभी एक्सप्लोड करेगी, बल्कि इसके जो सेंसर्स होते हैं अगर उसके आसपास से भी कोई शय गुजरी तो एक्सप्लोड कर जाता है। और इस तरीके से POM-3 है बेहद भयानक। तो रूस का प्लान POM-3, जी हां, विस्फोटक सनसनी। क्या है ये विस्फोटक, किस तरीके से ये ऑपरेट करता है, इसको भी हम समझें। यूक्रेन में रूस के विध्वंसक इरादों का खुलासा। यूक्रेन में सेंसर वाली लैंड माइंस का इस्तेमाल। माइंस के पास से गुजरने पर भी धमाका हो जाता है। रूस पर सेंसर लैंड माइंस के इस्तेमाल का आरोप लगा है, आम लोगों को निशाना बनाने का भी आरोप। यूक्रेनी एक्सपर्ट्स ने खार्किव में इसका इस्तेमाल देखा है और यही वजह है कि रूस पर इस तरह के आरोप भी अब लगाए जा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।